क्या नाम है आपका सर? मैं नरपेन सिंह जी, रानीपुर का रहने वाला हूँ जी। तो आपके घर पर हमला हुआ? मेरे घर में पिछले साल जो रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले जी, मेरे घर में 3 बार आया जी। और मैंने जो इन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर को फ़ोन किया, गाड़ी भी 3-4 आई। आने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पिंजरा लगा देंगे। उसके बाद उससे पहले भी मेरी जो 2 कुतिया उठा ले गया, एक जर्मन शेफर्ड थी और एक मेरी जो भोटिया नस्ल की थी, मेरे वो तो 10-12 साल की कुतिया थी, वो उठा ले गया मेरे घेर में से। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि जो मैं ले जाऊँगा, हम जाएंगे पिंजरा लगाएंगे। और फिर हमने इन्हें आम का पेड़ भी दिखाया है, जिस पेड़ पर अक्सर वो बैठता है, वहीं से वो कूद को जो उसने, क्योंकि रास्ता है, हमने कहा कि भाई इस पेड़ के गोधे कटवा दो, और उस पेड़ के गोधे कटवाने के पक्के नहीं। एक पेड़ हमारे यहाँ कटरू का खड़ा हुआ है, उस पर भी अक्सर चढ़ा, उस पर भी जो अधिकतर कोई नहीं, वो उसे भी काटने के लिए कह दिया कि हम इस तरह की कोई परमिशन नहीं देंगे। अब बताओ, हम उन पेड़ों से भी इस वजह से कि अधिकतर ये गुलदार उस पर चढ़ चढ़ कर बैठ जा, सब काम हो जा, अब हम उस चीज़ से डर रहे हैं जी। क्या करें, तो हमारे तो ना तो कोई पिंजरा लाया ना कोई कुछ करा, कभी आज तक कोई किस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। तो अब जैसे हमला हुआ है तो क्या चाहते हैं आप लोग? भाई यही चाहूँ कि अगर किस तरह से पकड़ ले तो कम से कम भय तो खत्म हो जाएगा गाँव वालों का जी, जी, जी। बस ये चीज़ है हमारे तो जी। देखिए, ऑफिसर भी यहाँ पर आ चुके हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पर आ चुके हैं, जो शिकायतें आई है हमसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे।